पहले बात करते हैं आज की खबरों की। जनपद गंगोर ग्राम पंचायत रजड़वाड़ा संकुल केंद्र भिलाई के अंतर्गत ग्राम पलहिरा माध्यमिक शाला की घटना बताई जा रही है। 7 दिसंबर शिक्षक एवं स्कूली बच्चों ने बताया है कि स्कूल खोलते समय ही अचानक से छत गिरने लगी, जिससे भय के माहौल से बच्चे बच गए हैं। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। वही पलहिरा स्कूल के शिक्षक एवं बच्चे, जिनकी सूचना BRC घनसोर को दी गई है। आखिर जिम्मेदार कौन? अगर कोई बड़ी घटना होती है तो जवाबदारी किसकी होगी? जबकि 1 साल पहले ही स्कूल भवन स्वीकृत हो चुका है, फिर भी लापरवाही हुई है। पलहिरा स्कूल भवन की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि गांव में ही किसी अन्य के घर में शाला लगाई जाए। जबकि शिक्षकों ने बताया है कि इतने सारे बच्चों के लिए कोई अपना निजी मकान देने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि इस समस्या को लेकर अधिकारी कब ध्यान देते हैं। हाँ बेटा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? क्या नाम है आप लोगों का? तो ये छत जो गिरी थी, आपको कैसे मालूम पता चला? हम बाहर थे, बाहर से आ रहे थे, गेट खोल रहे थे। अच्छा, जैसे गेट खोला वैसे ही जो है ये छत गिरने लगी है ना? जी। फिर क्या किए आप लोग? आए और साफ कर। साफ किए हो? जी। माँ साहब को बताए थे फिर? जी। ठीक सर, आप अपना परिचय दें, इस स्कूल में क्या हैं आप? मैं इस स्कूल में, मेरा नाम बीरन लाल मरकाम है, प्रभारी प्रधान पाठक माध्यमिक शाला पलहिरा। सर ये कल ये जो घटना बताई जा रही है, ये आपके पीछे जो छत गिरने की, तो इस बारे में क्या ऊपर सूचना दी गई थी आपके द्वारा? नहीं, इसके पहले सूचना तो नहीं दी गई थी। ये कंडीशन बिल्कुल अच्छा था, मतलब दिखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अचानक सीपेज, अभी 2 दिन की बारिश होने से सीपेज आने से ऐसी घटना घटी। नहीं, क्या ये स्कूल के बारे में मालूम था आपको कि ये जर्जर है या कभी घटना हो सकती है? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का ये चल रहा था कि, और इसके बारे में हमने सूचना तो लिखित में अभी नहीं, पहले नहीं दिया था, लेकिन अब देंगे, और आज इसलिए नहीं दे पाए हम, मीटिंग नहीं रख पाए सारा समिति और गांव वालों की। मड़ई थी इस गांव की, कल हमारे यहाँ SMC की बैठक भी है, और जैसे ही घटना घटी थी कल, तो सरपंच महोदया यहाँ मौके पर आई, स्थिति की जायजा ली, और शाला समिति के अध्यक्ष महोदय भी आए, उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सर स्कूल मत लगाइए। फिर इसके बारे में मैंने BRCC महोदय को फोन लगाया, उनसे भी बात उनसे हुई, और आने के लिए आश्वासन दिया कि ठीक है, आप उस जगह में, उस कमरे में आप स्कूल मत लगाइए, और मैं आता हूँ सब इंजीनियर को लेके, ऐसा दूसरे दिन के लिए बोला गया। ठीक।